हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टाइम मिक्स मनी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर टाइम मिक्स मनी पढ़ना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम मिक्स मनी को सब्सक्राइब करने के कितने बेनिफिट्स हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक वीडियो का लिंक डाल रखा है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि जितने सारे वीडियो का एनालिसिस करने हमने डाल रखा है, सारे स्टॉक ने स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो चलिए आज हम लोग टाटा पावर का एनालिसिस करेंगे और चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर टाटा पावर का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये पावर सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। डेली बेसिस पे अगर इसका सबसे पहले अगर हम लोग चार्ट ओपन करें, एक बार डेली बेसिस पे ये हमने चार्ट ओपन किया है। काफ़ी लो हो गया था ये कोविड के समय में, जब ये पैंडेमिक आया था तो इसने एक लो दिखाया था 27 रुपीज़ का 11 मई को। और 27 रुपीज़ का लो दिखाने के बाद, 27 रुपीज़ का लो दिखाने के बाद जिस टाइप से इसने रिकवरी दिखाया है और हाई बनाया है 132 ऑलमोस्ट तक का, तो एक साल के अंदर इस टाइप से रिटर्न देना, ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न इस स्टॉक ने, टाटा पावर ने दिया है। वही कोविड के पहले अगर देखा जाए तो कोविड के पहले ये टॉप इसने बनाया था, कोविड के पहले का ये टॉप था इसका, जो कि एक रेजिस्टेंस के लेवल पे काम कर रहा था। आप लोग देख रहे हैं इस स्टॉक में कि इस स्टॉक ने कोविड के पहले जो हाई बनाया था वहीं पर यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको मिल रहा था और उसके बाद ये गिर गया था, लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया और ये एक सपोर्ट जोन अब इसके तौर पे काम करने लगा। वहीं अगर इसका हम लोग देखा जाए चार्ट का स्ट्रक्चर तो एक ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा बन करके इस स्टॉक में आ रहा है। इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड लाइन बन करके आ रहा है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन इस स्टॉक में बन करके आ रहा है जिसमें हम लोग बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन है और इसका अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। क्योंकि जिस टाइप से अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिस टाइप से डिमांड बढ़ रहा है तो हर जगह में पावर सेक्टर में ही बेनिफिट मिलने वाला है हर कंपनी में, तो इस लेवल पे आप लोग काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लेवल है इसका। अगर हम लोग देखें एक बार, मूविंग एवरेज देखना ज़रूरी इसलिए हो जाता है 200 मूविंग एवरेज, क्योंकि स्टॉक अगर 200 मूविंग एवरेज से ऊपर अगर काम कर रहा है इट मीन्स कि वो आप लोग इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। इस स्टॉक में आप लोग लॉन्ग टर्म का काम कर सकते हैं। 200 मूविंग एवरेज से ऊपर स्टॉक काम कर रहा है, आप लोग बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें। इवन इफ़ यू वांट टू होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म यू कैन होल्ड, क्योंकि आने वाले समय में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा एक मल्टी वेकर साबित होने वाला है। तो जो भी हमने लेवल्स बताए हैं उस लेवल पे काम कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो आप लोग के पास बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन डिप्स करते रहिए इस स्टॉक में और आप लोगों के पैसे डाटा पावर में ज़रूर बनेंगे। वहीं अगर इसका हम लोग फंडामेंटल देखें, एनालिसिस कर रहे हैं, एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करिए, इसके लिए हम लोग स्क्रीनर ओपन कर लेते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका फंडामेंटल्स किस टाइप से काम कर रहा है। स्क्रीनर काफ़ी अच्छा वेबसाइट है फंडामेंटल्स जानने के लिए। तो ये टाटा पावर का हम सबसे पहले ओपन करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 38,696 करोड़ है। ROCE भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है इस कंपनी का, बहुत अच्छा है। और इसका डिविडेंड पे आउट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसने 33% तक का इसने डिविडेंड, हेल्थी डिविडेंड इसने पे आउट दिया है, जो कि कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है इस टाइप से ऑपरेटिंग दे रही है तो काफ़ी अच्छा है। आप लोगों का 34% काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है CAGR पे। वही कंपनी का सेल्स अगर देखिए तो सितंबर जून से लेकर, जून 2018 से लेकर के मार्च 2021 तक इसका सेल्स इंक्रीज ही होकर के ही आया है। प्रॉफिट लॉस भी अगर देखें इसमें तो एक्सपेंसेस भी अगर देखें तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट भी, सेल्स भी बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, अदर इनकम भी बढ़ रहा है कंपनी का, और प्रॉफिट अगर देखा जाए टैक्स के पहले भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी का एसेट्स भी काफ़ी बढ़ रहा है, कंपनी के पास एसेट्स काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं हर साल हर क्वार्टर में। और वहीं अगर हम देखा जाए इसका, इसका अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स ने इसमें इंक्रीज किया है और पब्लिक ने भी इंक्रीज किया है। FIIs ने थोड़ा सा डाउनसाइड दिखाया है लेकिन प्रोमोटर्स ने इंक्रीज यहाँ पे किया है। यहाँ पे टाटा सन्स के पास कितने सारे हैं, जितने सारे देख रहे हैं आप लोग टाटा सन्स के पास, टाटा स्टील के पास कितने सारे, ये सारे प्रोमोटर्स सब हैं इनके, तो कितने सारे ने होल्ड करके रखा है, कितने परसेंटेज का इसमें आप लोग को दिखाया जा रहा है। और तो जो हमने लेवल्स बताए हैं आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें काम कीजिए, आप लोगों के पैसे इसमें ज़रूर बनेंगे। तब तक जुड़े रहिए टाइम मिक्स मनी से, क्योंकि समय ही पैसा बनाता है।